नमस्कार बच्चों, देखेंगे बच्चों अपन पोयम पढ़ रहे थे इकोलॉजी, मीनिंग बताया था मैंने आपको इसका, पारिस्थितिकी या पारितंत्र। और आपने देखा बच्चों कि इसमें जो पहली तीन लाइनें हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी थी, दूसरी तीन भी पढ़ा दी थी, और जो तीसरी वाली है तीन लाइन इस पर भी हम चर्चा कर चुके थे। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फोर्थ स्टेंजा ऑफ द पोयम। अब मैं पढ़ूंगा आपको कविता का चौथा स्टेंजा, चौथा पद्यांश, तो देखेंगे आप। और बर्स्ट के बारे में बताया था बच्चों मैंने आपको, बर्स्ट BURST बर्स्ट। इसकी खास बात यह भी है कि ये जो बर्स्ट है बच्चों इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, जैसे आपको बताते हैं पुट पुट पुट, उसी तरीके से हम बताते हैं कट कट कट, इन द सेम वे हम बताते हैं आपको कास्ट CAST। कास्ट का मतलब आप जानते हो, वोट देते हैं, जाल फेंकते हैं, तो उसके लिए आप कास्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जो कास्ट है बच्चों, ये जो टेलीकास्ट है, लाइव टेलीकास्ट, फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी करना, तो ये जो क्रियाएं हैं इनकी तीनों फॉर्म से एक जैसी होती है। यहां पर दिया हुआ है बर्स्ट इनटू फ्लावर्स, और बर्स्ट के बाद में इनटू का प्रयोग होता है एडियोमेटिक, बर्स्ट इनटू फ्लावर्स, है ना। उसी प्रकार से आपको बताया था मैंने, बर्स्ट समबड़ी या शी बर्स्ट इनटू लाफर, इसका मतलब खिलखिलाकर हंस पड़ी, वो ठट्ठा मारकर हंस पड़ी, ऐसे बताया मैंने। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है जार जार रोने लगी, बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब जार जार रोने लगा या जार जार रोने लगी, ऐसे मैंने बताया था। ये पैराग्राफ तो, ये स्टेंजा तो हो गया है। विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग येलो पोलन फोग ऑफ ए फ्रेग्रेंस नो विंड कुड शिफ्ट, ये वाला है आगे वाला स्टेंजा। देखो बच्चों, विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग येलो पोलन फोग ऑफ ए फ्रेग्रेंस, ये देयर शब्द है बच्चों, इसका मतलब होता है उनका या उनकी, ये उनका उनकी किसके लिए है, चंपक का जो पेड़ है उसके लिए है। और इस सेंटेंस की एक बड़ी निराली विशेषता है बच्चों, आप जानते हो कि जब आप किसी नाउन के पहले किसका प्रयोग करते हो, नाउन के पहले अगर आप किसी शब्द का प्रयोग करते हो और वह नाउन को क्वालिफाई करता है, तो आमतौर पर बच्चों आप उसे एडजेक्टिव कहते हैं। कभी कभी एडजेक्टिव बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा एडजेक्टिव, है ना। देखना आप, जैसे मैं कहता हूं द थ्री सॉरी द फर्स्ट थ्री लिटिल अमेरिकन गर्ल्स सिटिंग इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर आर माई स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, बात को समझना, यह जो बात मुझे समझानी है आपको वो यह है कि बच्चों इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो आप बताओगे शिटिंग, लेकिन बच्चों शिटिंग इसमें वर्ब नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो तो यह है, दिस इज द मेन वर्ब। आर माई स्टूडेंट्स का मतलब मेरी विद्यार्थी है। प्रश्न यह है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो बच्चों इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक व्याप्त है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बड़ा होता है या जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में एकाधिक वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, तो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट में बच्चों एक शब्द होता है जो कहलाता है हेड वर्ड। क्या कहलाता है वह हेड वर्ड कहलाता है। ये हेड वर्ड जो होता है बच्चों, यही रियल सब्जेक्ट होता है। जो हेड वर्ड होता है वही रियल सब्जेक्ट होता है। और बच्चों सब्जेक्ट चाहे कितना ही लंबा हो, उस सब्जेक्ट में जो हेड वर्ड होता है वह अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए, और अगर वो हेड वर्ड प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो आपने देखा बच्चों गर्ल्स प्लूरल है, इसीलिए तो आर आ रहा है। ये आर गर्ल्स के लिए आ रहा, बाकी किसी के लिए नहीं आ रहा। फिर ये बाकी सब क्या है, देखो बच्चों
वेल्स के पहले आया है द, आपको बताया हमने द एक आर्टिकल है, और आपको ने भी बताया कि आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमिनर ही होते हैं। क्लियर? आपको हमने ये भी बताया कि आर्टिकल एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं, आर्टिकल डिटरमिनर एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं, और कभी कभी एडवर्ब भी, जो क्या करते हैं बच्चों, किसी नाउन के पहले आकर के, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, उसके पहले कोई आर्टिकल आता है ना, तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, एक हेड वर्ड के पहले आकर के उसको क्वालिफाई करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। इसलिए इन सब को बच्चों मिलाकर के आप एक ही शब्द देंगे, वो क्या है, ऑल दीज आर प्री मॉडिफायर्स, ऑल दीज आर नथिंग बट ए प्री मॉडिफायर्स। तो देखो द फर्स्ट यानी पहली वाली, थ्री तीन डिटेल, नन्नी नन्नी, अमेरिकन अमेरिका की, गर्ल्स ये मुख्य है। सिटिंग इन द कॉर्नर भी गर्ल्स की ही विशेषता बता रहा है, जो कोने में बैठी है, लेकिन बच्चों पीछे आके विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे आप क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को आप कहेंगे पोस्ट मॉडिफायर। पोस्ट का मतलब पीछे वाला होता है, प्री का मतलब पहले वाला होता है, इतना तो बच्चों आप जानते ही हैं, प्रीपेड होता है, पोस्ट पेड होता है, प्री से मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद। इतिहास के अंदर भी बच्चे युग चलते हैं, प्री मौर्यन एज का मतलब होता है पूर्व मौर्य काल, पोस्ट मौर्यन एज का मतलब होता है मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर मौर्य प्लस उत्तर, उत्तर यानी बाद वाला होता है, पूर्व यानी पहले वाला होता है, वो सब दूसरी बातें हैं। यह बच्चों मेरे को जो चीज समझानी है आपको ये है कि देखो, दे आर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग येलो पोलन फॉग। फॉग इसके अंदर क्या है, फॉग ऑफ फ्रेग्रेंस, फॉग ऑफ फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू का कोहरा, फॉग ऑफ फ्रेग्रेंस, ये इसका जो है रियल सब्जेक्ट है, हेड वर्ड ये है यहाँ पर, फॉग ऑफ फ्रेग्रेंस, वैसे तो फॉग है, ऑफ फ्रेग्रेंस तो उसके बाद में जुड़ा हुआ है, यानी खुशबू का कोहरा। अब आप बताइए बच्चों, खुशबू का कोहरा अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आनी चाहिए, और अगर खुशबू का कोहरा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आनी चाहिए। आप तो जानते हैं फॉग को अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, अगर उसके बाद भी कोई वर्ब आनी चाहिए तो सिंगुलरी आनी चाहिए। पर मामला बच्चों पास्ट का है, जब सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो सेकंड फॉर्म आती है, और सेकंड फॉर्म जो बिना भेदभाव की आती है, मेरा मतलब यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी सेकंड फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी सेकंड फॉर्म। चलिए बच्चों क्या बताया गया है, विद देयर यानी उनके, यह बताया गया उनके, किनके, चंपक के पेड़ों के। द वर्ड देयर हियर रेफर्स टू द चंपक ट्रीज, यहां पर जो देयर शब्द है वो चंपक ट्रीज को रेफर करते हैं। तो विद देयर स्ट्रीट लॉन्ग हेवी हंग, उनकी स्ट्रीट लॉन्ग का मतलब होता है पूरी सड़क पर व्याप्त, स्प्रेड स्प्रेड ऑल ओवर द रोड, स्प्रेड ऑल ओवर द रोड का मतलब सारी सड़क के ऊपर फैल जाती है, सारी सड़क के ऊपर व्याप्त हो जाती है, क्या, हेवी हंग, सारी सड़क के ऊपर, हेवी का मतलब होता है, हेवी हंग का मतलब होता है बच्चों हेवी स्प्रेड, हेवीली स्प्रेड, इसका मतलब यह हुआ कि जो पूरी सड़क है उसके ऊपर अत्यंत उसके ऊपर अत्यंत आधिक्य के साथ में फैल जाते हैं येलो माने पीले पोलन, पोलन का मतलब क्या होता है, पोलन का मतलब होता है बच्चों फूलों का पराग, फूलों का जो पराग है वो यह पूरी सड़क के ऊपर, पूरी सड़क के ऊपर फोलन फॉग, पोलन फॉग का मतलब होता है पराग का जो कोहरा है वो पूरी सड़क के ऊपर फैल जाता है, और फ्रेग्रेंस माने खुशबू बनकर। यही कह सकते हैं कि उन फूलों की खुशबू, उन फूलों की खुशबू सड़क के इस छोर से लेकर के उस छोर तक बहुत तीव्र गंध के रूप में, बहुत तीव्र सुगंध के रूप में, जो फूलों की गंध है वो बहुत तीव्र गंध के रूप में घना कोहरा बनकर के सड़क के इस छोर से लेकर उस छोर तक व्याप्त हो जाती है, और इतनी घनी व्याप्त हो जाती है, इट स्प्रेड्स सो डेंसली, ये इतनी घनी फैल जाती है, ये इतनी घनी व्याप्त हो जाती है, दैट इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, दैट इट कैन नॉट बी शिफ्टेड बाई एनी विंड, कि हवा चाहे कितनी तेज आए, हवा के झोंकों के द्वारा भी ये दूर नहीं होती है, ये पोलन की खुशबू, ये पोलन की खुशबू का कोहरा सड़क के इस छोर से लेकर के उस छोर तक इतना घना व्याप्त हो जाता है कि इट कैन नॉट बी शिफ्टेड बाई एनी गस्ट ऑफ विंड, कि हवा के किसी भी झोंके के द्वारा भी इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, इसको वहां से हटाया नहीं जा सकता है।
इसको वहां से हटाया नहीं जा सकता है, ये तो वहां जम के रह जाती है। और बात यह है कि अगर खुशबू जम के रह जाती है तो कौन सा गुनाह है, पर बच्चों खुशबू थोड़ी अलबेली है, ये खुशबू थोड़ी निराली है, ये खुशबू थोड़ी पेक्यूलियर है। क्यों है पेक्यूलियर? बिकॉज इट कॉजेज माइग्रेन टू द पोएट्स मदर, क्योंकि यह कवि की माता जी को आधा शीशी का दर्द प्रदान करती है। इस खुशबू को देख करके, इस खुशबू के कोहरे को देख करके, इस गली के इस छोर से लेकर के उस छोर तक व्याप्त इस अत्यंत या इस तीव्र गंध को देख करके, इस तीव्र गंध को अनुभूत करके द पोएट बिकम्स फ्यूरियस, कवि आग बबूला हो जाता है। वाई? क्यों? बिकॉज द फ्रेग्रेंस, बिकॉज द फोग ऑफ द फ्रेग्रेंस, ये कुछ फोग ऑफ फ्रेग्रेंस है, इसका मतलब होता है खुशबू का कोहरा। ये मेटाफर है, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। और ये बच्चों जो शब्द बताए मैंने, देखो, दे आर स्वीट लॉन्ग हेवी हंग येलो पोलन याता, ये सारे प्री मॉडिफायर है। ये फोक को क्वालिफाई कर रहे हैं कि फोक कैसा है। फोक तो खुशबू का है, खुशबू का कोहरा कैसा है, खुशबू का कोहरा ऐसा है जो इस गली के इस छोर से लेकर के उस छोर तक बहुत ही घना, हेवी हंग का मतलब बहुत ही घना, डेंसली बहुत ही घना व्याप्त हो जाता है। पीले कलर के जो उसके प्राग कण है वो सड़क के ऊपर जो है खूब जो है सड़क उनसे लदी पदी रहती है, लेडन है ना, सड़क उनसे लदी पदी रहती है। और खुशबू इतनी ज्यादा व्याप्त हो जाती है कि उस खुशबू के कारण कवि की मम्मी को क्या हो जाता है, कवि की माता जी को माइग्रेन हो जाता है। एंड दैट्स वाई द पोएट बिकम्स एंग्री, दैट्स वाई द पोयम रिटर्न्स होम इन ए रेज, यही कारण है कि कवि घर लौटता है क्रोध की मुद्रा में, गुस्से के मूड में। आइए देखेंगे, नो डोर कुड शट आउट, कवि ये कह रहा है कि इतना ही मजबूत दरवाजा लगा दो आप, कितना ही मजबूत दरवाजा लगा दो, वो दरवाजा खुशबू की इस बाढ़ को रोक नहीं पाता है। हवाओं को किसने रोका है? खुशबू तो हवा है, खुशबू क्या है? खुशबू तो हवा है। तो नो डोर कुड शट आउट फ्रॉम और ब्लैक पिलर्ड हाउस, कभी अपने घर का वर्णन करते हुए कहता है कि अवर एंसिस्ट्रल हाउस वाज, या अवर एंसिस्ट्रल हाउस हैड ब्रेक पिलर्स, हमारा जो पैतृक घर था, हमारा जो पुराना, हमारे माता पिताओं का जो पैतृक घर है वह कैसा था? डेड एड ब्लैक पिलर्स, उसमें काले काले खंभे लगे थे, ब्लैक माने काले और पिलर्स का मतलब खंभे। तो ये काले स्तंभों वाला जो हमारा घर है, नो डोर कुड शट फ्रॉम अवर ब्लैक पिलर्ड हाउस, हमारे काले खंभों वाले घर में हवा की उस बाढ़ को एंटर होने से, खुशबू की उस बाढ़ को एंटर होने से कोई भी दरवाजा जो है उस खुशबू को नहीं रोक पाता था। उज वॉल्स एंड ईयर्स एंड आईज, समस्या क्या थी? ये हमारे घर की जो दीवारें हैं, वो घर की दीवारें कैसी थी? हमारे घर की दीवारों में कान भी थे, हमारे घर की दीवारों में आंखें भी थी। कभी ये कहना चाहता है कि घर की दीवारों में जगह जगह छेद थे। कभी ये कहना चाहता है कि घर कभी जो है गरीब था और उसके घर की दीवारों में जगह जगह छेद थे, और उन छिद्रों में से होकर के खुशबू का दरिया कभी के घर में एंटर करता था, कभी के घर में प्रवेश करता था। और क्या करता था? और प्रवेश करने के पश्चात कवि की मदर को माइग्रेन माने आधा शीशी का दर्द प्रदान करता था। आशा है कि ये पैराग्राफ आपके ये जो स्टेज समझ में आ गया होगा। नो डोर कुड शट आउट, शट आउट का मतलब होता है बच्चों प्रिवेंट, शट आउट यानी क्या होता है? ये शब्द देखो, शट आउट, शट यानी बंद करना होता है, होता होगा। शट आउट का मतलब होता है बच्चों प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है, देखो प्रिवेंट को इस प्रकार से याद किया करो, क्योंकि बच्चों जब भी प्रिवेंट आता है तो साधारणतः प्रिवेंट के बाद में फ्रॉम आता है। जैसे मैं कहता हूँ डोंट प्रिवेंट यू टू गो, मुझे जाने से मत रोको, ये सेंटेंस गलत है बच्चों। शुभ दोबारा डोंट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग, डोंट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग। एक बात ये भी है कि फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, कल भी समझा रहा था कि प्रीपोजिशन के ठीक बाद अगर बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसमें आईएनजी जोड़ना सख्त जरूरी है, बिकॉज ए प्रीपोजिशन शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाई ए जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की जेरंड फॉर्म आनी चाहिए। अगर प्रीपोजिशन आ रहा तो आप ये नहीं कह सकते डोंट प्रिवेंट मी फ्रॉम गो, नहीं, गोइंग करना पड़ेगा आपको, गोइंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आएगा वो नाउन आएगा,
और नाउन आपको आप जानते हैं वर्ब को अगर नाउन बनाना है तो उसका एक ही तरीका अपने पास क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, जोड़ दीजिए उजरंड में बदल जाएगी, वो जिरंड में बदल जाएगी। और जिरंड में बदलने का मतलब क्या है, जिरंड क्या होता है, ए जिरंड इज ए नाउन इक्विवेलेंट, अर्थात जिरंड जो है संज्ञा के समतुल्य या संज्ञा के समकक्ष होता है। आइए देखेंगे आप, वेयर विद देयर येलो विद देयर स्ट्रीट येलो हैवी हंग येलो पोलन फॉग ऑफ ए फ्रेग्रेंस लो विंड गुड शिफ्ट, कोई भी हवा का झोंका उस खुशबू को, उस खुशबू का स्थान परिवर्तन करने में असमर्थ था, उसका स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब है द फोग ऑफ फ्रेग्रेंस कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड बाई एनी गस्ट ऑफ विंड, हवा के किसी भी झोंके के द्वारा उस खुशबू की बाढ़ को, उस खुशबू के दरिया को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट, नोर ऑर कुड शट फ्रॉम आवर ग्रे पिलर्ड हाउस, हमारे काले स्तंभों वाले घर से, हमारे काले स्तंभों वाले घर से कोई भी मजबूत से मजबूत दरवाजा भी नहीं रोक सकता था किसे, उस खुशबू के दरिया को, वो खुशबू की जो बाढ़ है उस खुशबू की बाढ़ को हमारे घर के, हमारे घर के काले, हमारे काले, हमारे घर के काले, हमारे काले स्तंभों वाले घर के, हमारे काले स्तंभों वाले घर का कोई भी दरवाजा उस हवा को अंदर घुसने से नहीं रोक सकता था। बिकॉज हूज, ये हूज है बच्चों, ये किसके लिए आया है, ये हूज शब्द यहां पर आया है कवि के घर के लिए, हूज वॉल्स जिसकी दीवारें, किसकी दीवारें, कवि के घर की दीवारें, द वॉल्स ऑफ द पोएट्स हाउस, कवि के घर की दीवारों में क्या था, देयर वर सो मेनी हॉल्स, देयर वर सो मेनी हॉल्स इन द, देयर वर सो मेनी हॉल्स इन द वॉल्स ऑफ द पोएट्स हाउस, यानी कवि के घर की दीवारों में कई छेद थे। बच्चों दीवार में, दीवार में क्या होना, दीवार में आंखें और कान होना, ये मुहावरा है, दीवारों में दीवारों की आंखें और कान होना का मतलब यह है कि दीवारों में छेद होना, दीवारों में आंखें और कान होने का मतलब होता है दीवारों में छेद है, और यही कारण है वो दो वॉल्स आर पोरस, तो पोरस का मतलब होता है छिद्र, तो छिद्र वाली दीवारें हैं वो, और यही वजह है कि उन छिद्रों में से होकर के खुशबू, तीव्र तीव्र खुशबू अंदर प्रवेश करती है, और अंदर प्रवेश करके क्या करती है, घर में समस्या पैदा करती है, घर वालों को आधा शीशी का दर्द देती है। स्केल्स, हमारे घर में क्या है कि हमारे घर की जो दीवारें हैं उनमें क्या है, उनमें कान है, हमारे घर की दीवारों में क्या आंखें हैं, तात्पर्य कहने का यह है द पोएट मींस दैट द वॉल्स ऑफ द पोएट्स हाउस हैव सो मेनी हॉल्स, कवि ये कहना चाहता है कि कवि के घर की जो दीवारें हैं उनमें बहुत सारे छेद हैं, और उन छेदों में से अंदर क्या आता है, स्केल्स, स्केल्स का मतलब होता है बच्चों सरगम, द ट्यून्स ऑफ म्यूजिक, संगीत की जो धुनें हैं वो अंदर आती है उन छेदों में से होकर के। आगे बताया स्मेल्स, दुर्गंध है, दुर्गंध जो होती है वो आती है उन छेदों में से करके अंदर, बॉन क्रीक्स, हड्डियों के चटकने की, चरचर करने की, हड्डियों के चटमनाने की आवाजें आती है अंदर। नाइटली विजिटिंग वॉइसेस का मतलब होता है रात्रि चरों की ध्वनियां, नाइटली विजिटिंग वॉइसेस का मतलब होता है रात्रि चर, रात्रि के अंदर विचरण करने वाले जो जीव जंतु जानवर आत्माएं हैं, भूत भूतात्माएं जो भी हैं, उन सब की आवाजें आती है उस घर के अंदर। एंड देयर पोरस लाइक अस, एंड देयर पोरस लाइक अस का मतलब होता है और वो भी छिद्र वाले हैं, हमारे घर की दीवारें छिद्र वाली हैं, हमारी स्विम की तरह है, जैसे हम, हमारा शरीर क्या है, कई रोम पूत आपकी जो बॉडी है उसमें पसीना आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या जगह जगह हॉल्स बने हुए हैं, रोम टूब बने हुए हैं, उसी प्रकार से बच्चों ये बताया गया है इन द सेम वे जो कवि का मकान है उसके मकान की दीवारें कैसी पोरस है, पी ओ आर ओ यू एस, पोरस का मतलब छिद्रयुक्त है, छिद्रयुक्त है, और यही कारण है कि न केवल वो खुशबू की बाढ़ आती है, अभी तो बाहर अगर कोई म्यूजिक बजता है तो उसकी आवाज आती है, दुर्गंधें आती है, हड्डियों के चटकने की आवाज आती है, और रात्रि चरों की ध्वनि आती है, सभी अंदर आती है, और घर की जो दीवारें हैं वो इन सब चीजों के, इन सब चीजों के आंतरिक आगमन को रोकने में असमर्थ है। तो बच्चों हमारी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले लेंगे हम 2 मिनट का ब्रेक।
بچوں یہاں تک کی بات آپ نے کی تھی بٹ مدر فلیشنگ ہر ٹیمپر لائک ہر مدرس ٹوسٹیڈ سلور گرانڈ چلڈرنس میکرس ویٹ از دا کولڈ پیک آن ہر ہیڈ وڈ ناٹ لیٹ اس کٹ ڈاؤن اے فلاورنگ ٹری. کبھی کی ماں کو ایک ایسے پیڑ سے بہت پیار ہے جو خاص طور پہ پھولوں سے لدا پدا ہو. اے ٹری لیڈن ود فلاورس, ایک پیڑ جو پھولوں سے لدا پدا ہو, ایسا پیڑ جو ہے کبھی کی ماتا جی کو بہت پریے ہے. کبھی اپنے سر کبھی کی ماتا جی اپنے سر کا درد تو سہن کرنے کے لیے تیار ہے بٹ شی از ناٹ ریڈی ٹو لیٹ دا پوئٹ کٹ دا ٹری. لیکن وہ کبھی کو اس پیڑ کو کاٹنے کی انمتی نہیں دیتی ہے. کویتا کا میسج ایکچولی بچوں یہ ہے کہ کسی پیڑ کے اندر کسی پیڑ کے کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیڑ جو ہے اس میں ساری اچھی اچھی باتیں ہوں, لیکن کیول اسی وجہ سے کسی پیڑ کو کاٹنا گناہ ہے. کسی بھی پیڑ کو کیول اسی وجہ سے کاٹنا گناہ ہے کہ وہ کانٹے دار ہے. یہ مانا کہ وہ کانٹے دار ہے, پرنتو اس کے علاوہ اس کے اور بھی تو گن دیکھنے پڑیں گے. اگر آپ پیڑوں کو کاٹیں گے تو ہمارا ایکو سسٹم بگڑ جائے گا, ہماری ایکولوجی بگڑ جائے گی, کیونکہ یہ پیڑ ہی تو ہیں جو مینٹین کرتے ہیں ہماری ایکولوجی کو, ہمارے ایکو سسٹم کو وہی مینٹین کرتے ہیں. پیڑ اگر آپ کاٹیں گے تو جب بارش آئے گی تو کیا ہوگا, پوری مٹی بہ جائے گی, سوئل ایروزن. آپ جیوگرافی میں پڑھتے ہیں سوئل ایروزن مردہ اپردن, یہ کب ہوتا ہے, جب پیڑوں کو کاٹ کے ہوتا ہے. اگر پیڑ رہیں گے تو اپنی مضبوط جڑوں سے مٹی کو پکڑ کے جکڑ کے رکھیں گے, اور بارش کا جو تیز بہاؤ ہے اس کے اندر بھی وہ ہماری جو مردا ہے, جو مٹی ہے, اس کا جو اوپری پارٹ جسے خاص طور پہ آپ ہیومس کہتے ہیں, جو بڑا فرٹائل ہوتا ہے, اسے روک کے رکھتے ہیں, اسے روک کے رکھتے ہیں. لیکن کیا لکھا ہے, بٹ مدر, لیکن کبھی کی ماں فلیشنگ ہر ٹیمپر. فلیشنگ ہر ٹیمپر کا مطلب ہوتا ہے اپنے کروڈ کا قہر برپاتے ہوئے. فلیش تو آپ جانتے ہیں, لوگ فلیش فلیش ہوتا ہے, بچوں کیمرے کا فلیش ہوتا ہے, کیمرے کی چمک ہوتی ہے, کیمرے کی بجلی کی کونڈ ہوتی ہے, پرکاش کی کونڈ, اسے فلیش کہتے ہیں, پرکاش کی کونڈ. کروڈ نہیں بولا میں نے, کونڈ کا مطلب ہوتا ہے بچوں چمکا. تو پرکاش کا جو چمکا ہے, پرکاش کی جو کونڈ ہے, اس کی طرح ہے فلیشنگ اور ٹیمپر. ٹیمپر ان کے ہوتا ہے بچوں مزاج. میں کہتا ہوں کنٹرول یور ٹیمپر, شانت رہیں. ہی چپ ٹیمپرڈ فیلو, وہ ایک تنک مزاجی آدمی ہے, اس کا مزاج جیسا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ جاتا ہے. ٹیمپر شبد کا سمبندھ کہیں کہیں ہمارے غصے پر قابو یا ہمارے غصے کا بے قابو ہونے سے لیا جاتا ہے. فلیشنگ اور ٹیمپر کا مطلب اپنے کروھ کا قہر برپاتی ہوئی ماں آتی ہے اور آج کیا کرتی ہے. دیکھو بچوں, یہ جو سینٹینس ہے اس کے آگے میں کچھ پنکھے چھوڑ رہا ہوں اور سینٹینس کو اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں اس کا سمبندھ ہے. دیکھو, وٹ مدر فلیشنگ ہر ٹیمپر, اور آ جاؤ اس نیچے والی لائن پہ, سی دی. دیکھو کون سی چھوڑ دو, لائک والی چھوڑ دو, گرانڈ چلڈرن والی چھوڑ دو, ویٹ والی چھوڑ دو, روڈ پہ آ جاؤ. اس لائن کا سمبندھ اس سے جوڑ رہا ہوں. دیکھنا, بٹ مدر فلیشنگ ہر ٹیمپر وڈ ناٹ لیٹ اس کٹ ڈاؤن اے فلاورنگ ٹری. لیکن ماں اپنے اپنے کروپ کا قہر برپاتے ہوئے, لیکن ماں جو ہے اپنا جو مزاج ہے اسے کھوتے ہوئے, غصہ کرتے ہوئے, شی وڈ ناٹ لیٹ, شی وڈ ناٹ لیٹ اس, وہ ہمیں انمتی نہیں دے گی, اس نے ہمیں انمتی نہیں دیا, وہ ہم کو انمتی نہیں دیتی تھی. شی نیور لیٹ, یا شی ڈڈ ناٹ الاؤ اس ٹو کٹ, شی ڈڈ ناٹ الاؤ اس ٹو کٹ ڈاؤن اے فلاورنگ ٹری. فلاورنگ ٹری کا مطلب بتایا آپ کو, پھولوں سے لدا پدا جو ایک پیڑ ہے, اس پیڑ کو جو ہے ماں غصہ کرتے ہوئے آتے اور آ کر کے ہمیں اس پھولوں سے لدے پدے پیڑ کو کاٹنے سے روک دیتی تھی. پر بیچ میں کیوں نہیں چھوڑ دیا, یہ کیا ہے, دکھ روپ مائیں ہیں. دیز آر سم شملیش. شملیش کا مطلب اپما ہوتی ہے. اپما کا مطلب ہوتا ہے بچوں, جب ایک چیز کو آپ دوسری چیز کے سامان بتاتے ہیں, سملر بتاتے ہیں, تو سملی ہے. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ شی از ایز بیوٹیفل ایز اے فلاور, وہ اتنی خوبصورت ہے جتنا کوئی پھول ہے. تو بچوں میں شی اور فلاور دونوں کو کمپیئر کر رہا ہوں, اور میں نہ کیول دونوں کو کمپیئر کر رہا ہوں اپنی, تو دونوں میں سملرٹی بتا رہا ہوں, دونوں میں سامنے بتا رہا ہوں, دونوں میں سمانتا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے بچوں, یہی تو اپما الکار ہے. انگریزی میں آپ اس کو سیملی کہتے ہیں, انگریزی میں آپ اسے سیملی کہتے ہیں. تو لائک شبد جو ہے بچوں, لائک لائک کا مطلب یہ پسند کرنا نہیں ہے, یا لائک کا مطلب ہے کی طرح ہیں. اگر بچوں یہ پسند کرنا ہوتا تو لائک میں ایسے جڑتا, کیونکہ جب سبجیکٹ سنگولر ہوتا ہے تو ورب میں ایسے جڑتا ہے. یہ مانا کہ لائک کا مطلب پسند کرنا بھی ہوتا ہے اگر وہ ورب کا کام کرتا ہے تو, پرنتو جب وہ پریپوزیشن کا کام کرتا ہے تو لائک کا مطلب ہوتا ہے کی طرح کے سامان. جیسے میں کہتا ہوں آئی ڈونٹ لائک یو,
इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं, लेकिन आई एम नॉट लाइक यू का मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। आई एम नॉट लाइक यू का मतलब मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, यहां पर लाइक शब्द जो है वो किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। आई डोंट लाइक यू यहां पर बच्चे किसका काम कर रहा है, आई डोंट लाइक यू यहां पर जो लाइक शब्द है वो वर्ब का काम कर रहा है। समझ आ रहा? तो देखो बच्चों क्या लिखा है, लाइक हर मदर स्विस्टेड सिल्वर, लेकिन मां गुस्सा करती है किसकी तरह है? माँ के गुस्से का चमका होता है, माँ के गुस्से, माँ के क्रोध की कौंद होती है, माँ के क्रोध की जो कौंद है वो ऐसे प्रतीत होती है मानो क्या हो, मानो हर मदर स्विस्टेड सिल्वर, मानो वह उसकी माँ की मुड़ी हुई चांदी, उसकी माँ की मुड़ी हुई चांदी। चांदी से मतलब चांदी का आभूषण, ठीक है, चांदी से मतलब चांदी का मुड़ा हुआ आभूषण। लाइक हर मदर्स उसकी माँ की, माँ की माँ की, लाइक हर मदर्स यानी उसकी माँ की अर्थात हमारी नानी की। सही कहा मैंने? तो हमने कहा कि लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड का मतलब बच्चों मुड़ी हुई होता है, और सिल्वर का मतलब रजत चांदी, चांदी से निर्मित कोई आभूषण। तो उसकी माँ की चांदी, उसकी माँ की चांदी, चांदी कैसी होती है? उज्ज्वल। चांदी किसका प्रतीक है? उज्ज्वलता का प्रतीक है, शुभ्रता का प्रतीक है, कांति का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार से मम्मी क्या करती है, अपने क्रोध की कांति को बरपाते हुए, अपने जो क्रोध की कांति है उसके माँ जो है अपने क्रोध की कांति को बरपाते हुए किसकी तरह है? हमारी नानी की चांदी की जो चमक है, हमारी नानी की चांदी की जो कांति है उसके समान अपने क्रोध की कांति को बरपाते हुए। आगे दिया ग्रैंड चिल्ड्रन स्नीकर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन स्नीकर्स का मतलब होता है बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन किसे कहा जाता है? ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं पोते नाती, पोते अथवा नाती वो ग्रैंड चिल्ड्रन कहलाते हैं, उनके निकर्स की तरह है। निकर्स का मतलब पैंटीज है, पी ए एन टी वाई, पैंटी का मतलब होता है बच्चों ये खासतौर पर महिलाओं के, मतलब एन अंडरवियर बोर्न बाई वुमन, ठीक है। तो दिया हुआ है यहाँ पर निकर्स, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन है मतलब उसके जो नाती पोते वगैरह हैं उनके निकर्स की तरह हैं, उनके चमचमाते हुए निकर्स की तरह हैं, अपने क्रोध की कांति को फैलाते हुए उपमा है। उपमा अलग अलग प्रकार की होती है बच्चों, कोई कहता है कि चांद के समान लगती है ना, सचिदानंद हीरा वाटसे लगती है, अपनी कविता में कहते हैं कि तुम मुझे लगती है कलंगी बाजरे की, तुम मुझे लगती है कलंगी बाजरे की, क्योंकि उनकी जो है उनका उपमा देने का अंदाज अलग है, ये भी उपमा दे रहे हैं, ठीक है, इनकी उपमा देने का अंदाज अलग है। माँ अपने क्रोध की कांति को यो बरपाते हुए आती है जैसे उसकी जो माँ की जो माँ है उस माँ की, माँ की जो चांदी है उसकी कांति की तरह, या उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन अर्थात उसके नाती पोते हैं उनकी निकर्स या उनकी पेंटीज की चमक की तरह वह अपने क्रोध की कांति को बरपाते हुए आती है। ये इनोसेंस है बच्चों, ये उपमाएं ऐसी है जो प्रसंग के अनुकूल है, ये उपमाएं ऐसी है जिनके अंदर जो इनोसेंस है, जो निर्दोषिता है वो झलकती है ना, इस प्रकार की उपाय। वेट इज द कोल्ड पैक ऑन हर हेड, जैसे कोई कोल्ड पैक उनके सर के ऊपर पड़ा हुआ हो, कोल्ड में ठंडा होता, जैसे कोई ठंडा पैक उनके सर के ऊपर पड़ा हुआ हो गीला हो, इसी तरह से वो क्या करती है, वेट इज द कोल्ड पैक ऑन हर हेड। कोल्ड पैक का मतलब ठंडा पैक है, या बच्चों उसका जो सर है उसके सर में जो आधा शिशु का दर्द है, कहीं उसकी ओपन का संकेत भी हो सकता है, और कभी कहता है कि उसके सर के ऊपर पड़े हुए ठंडे पैक की तरह गीली होकर के, ठीक है, नम होकर के द मदर वुड कम देयर, मदर आती एंड शी वुड नेवर लेट अस कट ए फ्लावरिंग ट्री, ए फ्लावरिंग ट्री, और वह कभी भी हमको एक फ्लावरिंग ट्री अर्थात, और वह कभी भी हमको एक फ्लावरिंग ट्री अर्थात फूलों से लगे पड़े पेड़ को काटने की इजाजत नहीं देती। समझ आ रहा है? आना चाहिए, क्योंकि समझ में आने के लिए तो बोल रहा हूँ और अच्छे शिक्षा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आइए देखना, ऑलमोस्ट एज ऑल्ड एज हर, ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज हर का मतलब मैंने पहले भी कहा था बच्चों, जब मैंने पर्ट जो कविता के बारे में जो परिचय दिया था तब भी कहा था कि एज ओल्ड एज हर नहीं होता, एज ओल्ड एज शी होता है। ये कविता है, कवियों को विशेष अधिकार है, कवि तो चेस्ट के लिए ब्रेस्ट का प्रयोग कर देते हैं, या चेस्ट आना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता उपगुप्ता, उपगुप्ता द यंग डिसिपल ऑफ बुद्धा, उस कविता के अंदर बच्चों कवि ने यानी हमारे जो विश्व कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने उपगुप्त नाम का जो मॉन्क था, जो सन्यासी था, उसकी छाती के लिए चेस्ट शब्द का प्रयोग नहीं करके ब्रेस्ट शब्द का प्रयोग किया है। ये तो कवियों का विशेष अधिकार है। तो यहाँ हर इन्होंने बोला, लेकिन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश में ये कहती है बच्चों अगर तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से हो रही है तो आज हर नहीं शी आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ शी जेस्ट ऑल एज नी, ये गलत है, क्या बोलना पड़ेगा शी जेस्ट ऑल एज आई। वजह क्या है? तुलना शी से हो रही है, हर से नहीं हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि मम्मी क्या बोलती है, ऑलमोस्ट एज ऑल्ड एज हर, उसकी मम्मी का ये मानना है कि ये पेड़ लगभग उतनी उम्र का जितन जितनी उम्र की मैं हूं। कवि जो है उसको अपनी अपनी दरिद्र का मानती है, अपना संभय मानती है, संभय संभय का मतलब हम उम्र मानती है। कवि की मम्मी, कवि की माता जी जो है वह उस पेड़ के बारे में कहती है कि मेरा क्या है,
हम उम्र है, हम उम्र का मतलब ये लगभग उतनी उम्र का पेड़ है जितनी उम्र की मैं हूं, शी डेड, और इसका बीज फूटा था। शी डेड का मतलब इट वॉज सी डेड, अर्थात इसका बीजारोपण किया गया था किसके द्वारा, स्वयं को उनकी माता जी के द्वारा। सी डेड आगे दिया हुआ देखो, सी डेड 25, ये बच्चों जो 25 है इसको काट दो, इसे काट दो, क्योंकि इसका कविता से कहीं कोई तुक नहीं है, ये कोई मिसप्रिंट है। क्या है ये कोई मिसप्रिंट है? इस 25 को काट दीजिए, इसका कविता से कहीं कोई तुक नहीं है। मैं बताता हूँ, सी डेड शी शेड, वो कहा करती थी कि वो सी डेड बाई माई सेल्फ, सी डेड शी शेड बाई पासिंग वर्ड्स, ये जो है दिश डिस्ट्री वो सी डेड बाई माई सेल्फ, ये जो स्वयं मेरे ही द्वारा उगाया गया था, परंतु इसका बीज मुझे कहां से प्राप्त हुआ? A bird was flying, यानी कोई पक्षी उड़ रहा था, और उड़ता हुआ पक्षी जो है उसने क्या किया, उड़ते हुए पक्षी की बीट गिरी, बीट समझा रहा, और उस बीट के अंदर बच्चों ये पेड़ था, ये इस पेड़ का बीज था, और उसी बीज के द्वारा ये स्वयं कवि की मम्मी के द्वारा उगाया गया था, और बच्चों इट इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी गुड ओमेन। कभी कैसा मानना है, साउथ इंडिया का है कभी, तो किसी पक्षी की बीट में अगर कोई बीज हो और वो बीज उगता है तो इसको बहुत शुभ शकुन माना जाता है, इसे बहुत शुभ शकुन माना जाता है। बहुत सारे शुभ शकुन है साउथ इंडिया की, हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे एरिया की ये है कि जब कोई आदमी बाहर जाते हैं, हालांकि अभी प्रथा बंद हो गई है, जब हम घर छोड़ के बाहर जाते हैं, कोई परिवारी अपने सर के ऊपर बेवड़ा लेकर के आती है, हमें मिल जाती है, तो हमें ऐसा शुक्र माना जाता है कि हम जिधर से जिस काम को लेकर जा रहे हैं वो कार्य हमारा सिद्ध हो गया है। बिल्ली वाला रास्ता काट देती है, दंड दो पांच मिनट के लिए रुकते हैं, हमें लगता है कि ये गलत शकुन हो गया है, जब कहीं हमारे जाते हैं छींक देता है तो भी हमें कुछ ऐसा लगता है, है ना। तो बच्चों इन चीजों को क्या शकुन अपशकुन होते हैं यह बताया गया है। ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज, लगभग उतनी उम्र का था जितनी उम्र की सुन कवि की नजर थी। शीरेड शीशेड, तो क्या करती थी, शीरेड बाई पासिंग बर्ड्स प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग्स, वो ये कहा करती थी कि इस पेड़ का जो बीज है वो किसे हुआ था, ये एक उड़ते हुए पक्षी, ये उड़ते हुए पक्षी की संयोग से है। प्रोविडेंशियल का मतलब होता है संयोग से, बाय चांस, अर्थात ये एक उड़ते हुए पक्षी की संयोग से गिरी हुई बेट के द्वारा इसका बीज प्राप्त हुआ था, और वो जो बीज गिराया गया था उस बेट में गिराए हुए बेट में जो बीज गिरा था उसी के द्वारा जो बच्चों ये उगा था, और इसको किसने उगाया था, इसको स्वयं कवि की माता जी ने उगाया था, और कवि की माता जी को उस पेड़ से बहुत प्यार था, कवि की माता जी को उस पेड़ से बहुत लगाव था, वह उसे अपना समवय या हम उम्र मानती थी। आगे देखिए, टू गिव हर गॉड्स, और ये देखो बड़ा अच्छा शकुन है ये जो भगवान ने हमारे लिए भेजा है, एक पक्षी उड़ रहा था उसकी भेंट गिरी, ड्रॉपिंग्स, ड्रॉपिंग्स भेंट होता है, और प्रोविडेंस बाई चांस, यानी संयोग से या इत्तेफाक से एक उड़ते हुए पक्षी की भेंट गिरी, और उस भेंट से क्या हुआ बच्चों, एक पेड़, एक पौधा उगा, पौधा जो है पेड़ बना, और ये क्या करता था, ये हमें देता था, इट गेव, ये हमें देता था सो मेनी फ्लावर्स, बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स, ये हमें टोकरियां भर भर के, ये हमें टोकरियां ये छाबड़ियां भर भर के हमको फूल देता था, और उन फूलों को कभी की माता जी क्या करती थी, अपने देवताओं की पूजा करती थी, आइडल्स का मतलब था मूर्तियां, उनके देवताओं की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को ऑफर करती थी, उनको भेंट चढ़ाती थी, उन फूलों को भी अपनी बेटियों को भेंट करती थी, न केवल बेटियों को अपनी बेटियों की बेटियों को भी भेंट करती थी, ये माना कि इन फूलों की गंध से कवि की माता जी को माइग्रेन होता था, परंतु इस बात को भूल जाती है, डिस्पाइट हर माइग्रेन, अपने आधा शीशी के दर्द के बावजूद शी वुड नेवर अलाउ एनी बडी टू कट दैट चंपक ट्री, अपने आधा शीशी के दर्द के बावजूद भी क्या है वो उस पेड़ को कभी भी किसी को काटने की अनुमति नहीं देती थी। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह तो ये थी बच्चों कि ये उसे बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स, अर्थात इसे टोकरी भर भर के फूल देता था, इन फूलों को वह देवताओं को चढ़ाती थी, अपनी बेटियों को भेंट करती थी, अपनी बेटियों की बेटियों को भेंट करती थी, और न केवल इतना, कवि की मम्मी का मानना था कि यह उसके समवय था, और न केवल इतना, कवि की मम्मी का मानना यह भी था कि इट वॉज अ वेरी गुड ओमेन, अर्थात एक बहुत अच्छा शकुन था। तो ये वर गोड्स, देखो बच्चों गोड्स का क्या आ रहा, पहली बात तो सुझा हुआ है, और इसका जी कैपिटल में नहीं स्मॉल लेटर में आ रहा है, मैंने बताया जी जब बच्चों पहला अक्षर कैपिटल में आता है तो उसका मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है, और जी अगर छोटे अक्षर में आ रहा है तो उसका मतलब देवता होता है। अरुण कोलटकर अपनी जेजूरी कविता में कहता है कि ईच एंड एवरी स्टोन वाज ए गॉड इन जेजूरी, जब वो जेजूरी के अंदर गया, जेजूरी बच्चों महाराष्ट्र के अंदर एक तीर्थ स्थान का नाम है, तो जब वो यात्रा करने गया तो उसने देखा कि एक पत्थर था, उस पत्थर को सिंदूर लगा करके ये बाबू जी है, ये बोमिया जी है, ये फला है, ये डीका है, आप जानते हैं कई देवता,
तो कभी को अंततो कथवा ये कहना पड़ा और उनको उलट करके ये कहना पड़ा कि एवरी स्टोन इन जेजुरी वाज ए गॉड, कि जेजुरी का हर कंकर ही शंकर है, जेजुरी का तो हर पत्थर ही कोई कोई देवता, हमारे देवताओं की गिनती थोड़ी है, बहुत सारे देवता है ना, हम गिन भी नहीं सकते, इतने देवता है। टू गिव हर गॉड्स, वो टू गिव हर गॉड्स एंड हर डॉटर्स, इसका मतलब टू ऑफर हर गॉड्स एंड हर डॉटर्स अर्थात उसके देवताओं और उसकी पुत्रियों को भेंट में देने के लिए, एंड डॉटर्स डॉटर्स एंड डॉटर्स डॉटर्स का मतलब होता है पुत्रियों की पुत्रियों को अर्थात अपनी नातियों को देने के लिए बास्केट फुल्स ऑफ एनुअल फ्लावर अर्थात टोकरियां भर भर के, जो एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, एनुअल एग्जाम देते हैं आप तो वार्षिक फसल जो होती है उसकी तरह हर वर्ष वह चंपक का पेड़ न केवल उसके देवताओं को अपितु उसकी बेटियों को अपितु उसकी बेटियों की बेटियों को देने के लिए टोकरियां भर भर करके वह जो उसको फूल उपलब्ध करवाता था। इसलिए कभी की मम्मी जो है कभी भी उस पेड़ को किसी को काटने की अनुमति नहीं देती थी। एंड फॉर वन लाइन ऑफ कजन्स, अंडरलाइन कर लो कुछ, एंड फॉर वन लाइन ऑफ कजन्स का मतलब होता है और एक पूरी पीढ़ी के लिए। कजन्स का मतलब समझ गए आप, पिछले भाई बहन होते हैं। लाइन का मतलब है यहाँ पर बच्चों जनरेशन, लाइन का मतलब पंक्ति नहीं है। एंड फॉर वन जनरेशन ऑफ कजन्स, और उन सारे भाई बहनों की एक पूरी पीढ़ी के लिए ये जो चंपक का बेड़ है इसकी सुगंध देती थी। क्या देती थी? उन बेटियों को दहेज के रूप में देती थी आधा शीशी का दर्द। के डोगर का मतलब होता है डोगरी, डोगरी तो जानते हो, दहेज प्रथा को डोगरी कहते हैं। लड़की जब विदा होती है ससुराल जाती है तो मायके से कुछ चीजें भेंट की जाती है पिताजी के द्वारा, उसे हम दहेज या डोगरी कहते हैं। ठीक है, कुप्रथा है ये। क्या है? इसको कुप्रथा बनाया गया है। एंड फॉर वन लाइन ऑफ कजन्स, एंड फॉर वन जनरेशन ऑफ द कजन्स, और भाई बहनों की और एक भाई बहनों की पूरी पीढ़ी के लिए डोर ऑफ माइग्रेन इन सीजन, अर्थात इन सीजन का मतलब मौसमी आधा शीशी का दर्द रूपी दहेज साबित होता था। और ये खुशबू जो है, और ये जो खुशबू, ये खुशबू क्या है बच्चों? ये खुशबू मौसमी आधा शीशी, ये जो मौसमी आधा शीशी का दर्द जो है, ये मौसमी आधा शीशी का दर्द एक पूरी संपूर्ण पीढ़ी के लिए दहेज का काम करता था, दहेज साबित होता था। कवि यह कहना चाहता है कि ये जो चंपक का पेड़ है ये माइग्रेन देता था न केवल मम्मी को, अभी तो मम्मी की बेटियों को भी देता था। बेटियों को दहेज के रूप में इस घर से क्या मिलता था? बेटियों को दहेज के रूप में इस घर से माइग्रेन मिलता था। कविता पूरी आपको समझा दी गई है। सारांश बच्चों यह है कि पेड़ तो पेड़ ही होते हैं, पेड़ तो पेड़ ही होते हैं, हमें पेड़ों से प्यार होना चाहिए, और केवल पेड़ों की कुछ डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए पेड़ों को काटना सख्त गुनाह है। इस बात को स्वच्छ भारत जानते हैं आप, स्वच्छ भारत की बात करते हैं हम, पॉलीथीन की थैलियों पर पाबंदी लगाते हैं हम, क्यों? इन ऑर्डर टू मेक अवर एटमोस्फियर इको फ्रेंडली। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की कई चीजें चलाई है ना। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि इकोलॉजी कविता के अंदर जो कि रामानुजन ने जो बातें लिखी वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी रेलिवेंट है, और आपकी कविता समाप्त हो गई है बच्चों। आगे वाली कविता इफ माने अगर, रिटन बाई रडियार्ड किपलिंग, रडियार्ड किपलिंग ने लिखी है, और उस कविता के बारे में चर्चा होगी अगली क्लास में। नमस्कार।